सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस सावन महीने की चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक को लेकर मुजफ्फरपुर में श्री ओम परिषद सामूहिक कावड़ यात्रा समिति की ओर से झांकी की तैयारियां पूरे करने में कारीगर जुटे हुए हैं। गुरुवार को यह कावड़ यात्रा पहले जा घाट के लिए बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर पहले जा जलबोझी के लिए प्रस्थान करेगी और 3 दिन में 85 किलोमीटर का सफर तय कर सोमवार को बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक करेगी। संयोजक कुंदन महतो ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से हम लोग कांवड़ चढ़ा रहे हैं। लगभग 250 कांवड़िया इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार की झांकी में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, बाबा गरीबनाथ का मंदिर, महाकाल का शिवलिंग, बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग, बाबा गरीबनाथ का शिवलिंग समेत 12 फीट के हनुमान जी की मूर्ति झांकी में शामिल है। भव्य तरीका से श्री ओम परिषद सामूहिक कांवड़ यात्रा समिति भव्य रूप से झांकी निकाल रही है। बाबा देवघर का गुम्बज, माता पार्वती का गुम्बज, बाबा गरीबनाथ का गुम्बज और भव्य भव्य महाकाल बाबा का झांकी है और 12 फीट लंबा और चौड़ा हनुमान जी का झांकी है और 250 कमरिया का जत्था है। इसमें कितना फीट का कांवड़ जाएगा इस बार? झांकी के रूप में जा रही है कांवड़, हाँ झांकी के रूप में सभी में गंगा जल रहेगा, चलंत कांवर रहेगी। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? ये 12 वर्षों से हम लोग चढ़ा रहे हैं। क्या मने किसका क्या सोच के यहाँ चल चढ़ा रहे हैं? जी हम लोग यही कि सामूहिक रूप से हम सभी जो भी श्रद्धालु है सामूहिक रूप से जाएं और सामूहिक रूप से जल इसको अर्पण करें बाबा पर। कितने लोग होते हैं संख्या में? जी इसमें 250 लोग रहते हैं, लेडीज बच्चा जवान सभी रहते हैं, बूढ़ा।